हमारी जमीन, समंदर, दरिया, सहरा, ये वादियां और पहाड़, इन सबसे हम बखूबी वाकिफ हैं, लेकिन इस सियारे के साथ हमारा ताल्लुक महदूद है। हमारे दिन, रात और शामें सब इस सियारे के घूमने पर मुनहसर हैं। मुझे याद है कि जब मैंने पहली दूरबीनें देखी थी लाहौर में या पाकिस्तान में, उनमें से एक मौलवी साहब की टेलीस्कोप थी, और मौलवी साहब के पास जो इस वक्त दूरबीन है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी फंक्शनल टेलीस्कोप है, वो पूरे मुल्क में इतनी बड़ी टेलीस्कोप किसी के पास नहीं, चूँकि इनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। ये उस ज़माने से एस्ट्रोनॉमी कर रहे हैं जिस ज़माने में कंप्यूटर्स नहीं थे लिटरली,
सो स्टार चार्ट्स बुक्स लेकर रेड लाइट से कक्षाओं को तलाश करना, तो ये सब काम करते रहें जो मुझे से लीजिए एस्ट्रोनॉमर से गो टू का बटन प्रेस करके देखने की ख्वाहिश रखते हैं। सो मैं आप सब के सामने दावा देता हूँ खालिद मर्द साहब को कि वो आए और हमें वेलकम एड्रेस करें। Somebody from Vishal, who is here or not? Rulani, I invited, but is unable to come properly. Then we have dear members from Islamabad Society, Sir Kasif Tufail, dear astronomers, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It's an overwhelming situation for me, literally. Look at this occasion from a bigger perspective, एक बड़े जाविये से अगर आप इसको देखें तो ये एक बहुत बड़ा I would say a landmark event है, एक watershed event है, in the sense कि पहले जैसे हम astronomy करते रहे हैं पाकिस्तान में और आज एक benchmark day जिसकी बुनियाद हमें तकरीबन एक डेढ़ साल पहले रखी थी आइडिया ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल लीग ऑफ पाकिस्तान एंड देन कमिंग इनटू फ्रूएशन टुडे, तो उस लिहाज से ये एक बहुत अहम दिन है मेरी नज़र में और मैं इसकी अहमियत आप तो इस पॉइंट से राइट इन दी ओपन रिमार्क्स मैं आपको इस की अहमियत दिलाना चाहता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा दिन है पाकिस्तान में एस्ट्रोनॉमी के लिए और पाकिस्तान में एस्ट्रोनॉमर्स के लिए। और क्यों है वो जैसे नाम सजेस्ट करता है ए लॉग का एस्ट्रोनॉमिकल एस्ट्रोनॉमर्स एस्ट्रोनॉमर्स लीग ऑफ पाकिस्तान। बेसिकली हम करना ये चाह रहे हैं, हम एक लीग इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं। हमने आज से पहले जितनी एस्ट्रोनॉमी की है पाकिस्तान में बड़े बड़े शहरों में छोटे छोटे शहरों में इंडिविजुअल्स ने जितनी की है वो उसको मद्देनज़र रखते हुए उसको बैकग्राउंड में रखते हुए जो हम आगे करना चाह रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से लॉग की मैं अहमियत आज इस सेशन में देना चाहता हूँ। अच्छा, इस ओकेजन को ना मैं थोड़ा सा ड्रामेटाइज करना चाहता हूँ और ड्रामेटाइज मैं इस तरह करना चाहता हूँ कि आई वांट टू टेक यू बैक इनटू हिस्ट्री बट नॉट आउटसाइड द लोकेशन ऑफ लाहौर। द टाइम इज अबाउट फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 17th सेंचुरी अराउंड 1625 एंड राइट हियर मुगल्स आर इन पावर and they are a big power, they are a, not only a regional power but almost a global power. If there was any globe, उस ज़माने में तो खैर globe का concept इस तरह नहीं था जिस तरह अभी है। तो यहाँ पे एक बड़ी power है मुगल्स, Ottoman Empire जो है वो इस्तांबुल में है और Ottoman Empire अपनी उसके ऊपर है saturation पे आ चुकी है, मतलब अपनी peak के करीब पहुँच चुके हैं and they are knocking at European big cities, Vienna पे उन्होंने जैसे आपको पता होगा उन्होंने किया हुआ है और इस ज़माने में यूरोप जो है वो डार्क एजेस से निकल के तो जिसको वो रेनेसांस कहते हैं रेनेसांस में एंटर हो रहे हैं। तो एंड इन सच बैकग्राउंड एस्ट्रोनॉमी इज़ ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमी जो अभी नई नई शुरू हुई है, गैलीलियो ने पहली दफ़ा अपनी छोटी टेलीस्कोप को आसमान की तरफ किया है एंड ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमी इज़ इन इन्फेंसी। जो चीज़ें हम आप देख रहे हैं और जिस तरह से हम टेकन को ग्रांटेड करते हैं उस तरह की चीज़ें नहीं हैं। ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमी बॉर्न नहीं हुई है तो सारी एस्ट्रोनॉमी जो विजुअल है और सारी मेरिडियन बेस्ड है, दैट मींस कि होराइजन के पास जो चीज़ें हैं उनको आप होराइजन की वजह से के मत की वजह से उसको आप इतना ऑब्जर्व नहीं करते, उसको आप इतना अहमियत नहीं देते। सारी अहमियत जो है वो मेरिडियन एस्ट्रोनॉमी पर है।
और सेंट्रल एशिया में उलुगबेग ने अपनी बहुत बड़ी डिस्क बनाई हुई है। एस्ट्रोनॉमी को यूज़ कैसे करते हैं लोग, उसके लिए करते हैं, नेविगेशन के लिए करते हैं, और जो जनरल कॉन्सेप्ट हैं वो ये है कि फ्लैट अर्थ से हम निकल चुके हैं, हम एक ग्राउंड अर्थ का कॉन्सेप्ट आ चुका है, और कोपरनिकस हैज डाइड, न्यूटन इज जस्ट बॉर्न, एंड गैलीलियो और उसका ज़माना है। और जो जनरल कॉन्सेप्ट है वो ये है कि यस द अर्थ इज राउंड एंड वी आर नॉट सेंटर ऑफ द कॉस्मोस। सेंटर ऑफ द कॉस्मोस में हमें बहुत बड़े रॉन्ग कॉन्सेप्ट के साथ हम एस्ट्रोनॉमी को समझते थे, जिसमें वो एपिसाइकल्स का ज़माना होता था, हम आसमान में और प्लैनेट्स की जो मूवमेंट थी उनको हम बड़े बड़े गलत कॉन्सेप्ट के साथ में एक मॉडल बनाया था दिमाग में, और वो ज़माना था। लेकिन वो ज़माना चेंज हो रहा था, केपलर आ चुका था, केपलर ने कॉन्सेप्ट दे दिया था कि कोपरनिकस ने पहले ये कॉन्सेप्ट दे दिया था कि हम अर्थ बेस्ड कॉन्सेप्ट कॉस्मोस नहीं है, इट इज सन बेस्ड, एंड केपलर के लॉज जो वो आ गए थे, ठीक है। एंड इन दिस वेरी टाइम हेयर राइट इन लाहौर अंदरून शहर में जियाउद्दीन मोहम्मद के नाम से एक बड़ा स्किल्ड एस्ट्रोनॉमर अपने ज़माने का, जैसे मैंने थोड़ा सा वो बैकग्राउंड दिया है उस ज़माने की एस्ट्रोनॉमी क्या थी, एक बड़ा स्किल्ड एस्ट्रोनॉमर एक चीज़ बनाता था जिसको एस्ट्रोलैब कहते थे, एंड दैट एस्ट्रोलैब ऑफ हिज वॉज वर्ल्ड फेमस। वो अपने लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए बनाता था, ठीक है। टाइम का कॉन्सेप्ट नहीं था, टाइम कीपिंग का कॉन्सेप्ट ये वाला नहीं था कि 24 घंटे और 12 घंटे दिन और 12 घंटे वगैरह वगैरह। लैटिट्यूड्स थे लेकिन लॉन्गिट्यूड नहीं थे, ये लॉन्गिट्यूड बड़े बाद में आए, लॉन्गिट्यूड और नेविगेशन का कॉन्सेप्ट बड़ा बाद में आया। एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज ऑल दिस वॉज इम्प्रिंटेड ऑन एन एस्ट्रोलैब। एस्ट्रोलैब के ऊपर एस्ट्रोलैब टाइम कीपिंग अपने कॉन्सेप्ट से करता था, दिन का कॉन्सेप्ट जो था और टाइम का कॉन्सेप्ट था वो पहर के लिहाज से है, पहला पहर दूसरा पहर, एंड सूरज के साए के मुताबिक आप टाइम कीपिंग करते थे, ठीक है। एंड इन दैट एरा एंड इन दैट टाइम कटिंग एज एस्ट्रोनॉमी, जिस चीज़ की मैं अहमियत देना चाहूँ, कटिंग एज एस्ट्रोनॉमी वॉज राइट हेयर इन लाहौर अंदरून सिटी, जियाउद्दीन मोहम्मद, एंड दिस इज अबाउट 1620s का ज़माना है, सो अबाउट 11 generations फ्रॉम नाउ, सो यू कैन relate to your father, grandfather, and you can go back to 11th generation of your grandfather and say ke wo zamana tha. And astronomy was good. If the world level astrolabes were made by a person here in Lahore and they are still existing, abhi bhi aap kisi us pe jaye to aap dekhen famous astrolabes, and they were made by him or his family members and from Lahore. See, so with that background, now let's fast forward to today. Today we have everything available to us. Optical telescopes are in abundance. They are all types. Every individual can, with some money, own one. Point towards the sky. Go on the web, on the website. And browse, and you have everything available. The concepts are very clear. We are not only sun-based cosmos, but we have a universe well understood, and those concepts are all gone. Astrolabe is history. Astrolabe की अगर कोई legacy है, तो वो घड़ी है. घड़ी का जो clockwise movement है, वो हमें मिला है astrolabe से. Why is it that the clock is not going anti-clockwise? एंड इज़ गोइंग क्लॉक वाइज इज बिकॉज ऑफ एस्ट्रोलैब। एस्ट्रोलैब की जो शेप होती थी, उसकी जो रिकॉर्डिंग होती थी, वो ऐसे होती थी जिसकी वजह से घड़ी की जो मिडल है वो ऐसे मूव करती है, विच इज़ व्हाट वी कॉल क्लॉक वाइज। सो इन एलॉग, थ्रू एलॉग, एस्ट्रोनॉमिकल लीग ऑफ पाकिस्तान, वी वॉन्ट टू कनेक्ट विद दैट लीडिंग एज और कटिंग एज एस्ट्रोनॉमी दैट एग्जिस्टेड हियर इन दिस रीजन एंड दिस प्लेस, एंड वी वॉन्ट टू पिक अप फ्रॉम दैट प्लेस and keep a good background of whatever we have been doing for the last about 30 or 40 years, in which we have picked up astronomy from cities, from individuals, we have connected. And coming back to my argument of saying that from today
we have a watershed event, and astronomy from today will be inshallah in a different fashion. How will it be different? Some of the points that we have already discussed very casually, and that I would like to put forward to you, and we can obviously continue to add on them in days and weeks to come. How will it be different? We will have astronomy societies in every city. We'll try and attempt to make astronomy cities, astronomic societies or clubs or whatever you call them in every city. We would like to connect them through the umbrella of Astronomical League of Pakistan. Then plan yearly or biennial events of this nature, which could be indoor discussions on various topics, I will make sure that they are very informal and that they touch individuals in a very comfortable fashion. And if there are cities which do not have astronomy societies, we will encourage them. You can't obviously enforce things of this nature on people. If there are remote places where there are simple individuals, maverick individuals like one we have in Bahawalpur and some in Quetta, we will connect with them. And then we will plan camps. Camps could be not just for one night, it could be for two or three nights. Then we will have two things. Then we will have, we'll try and have exhibitions of things that people have made, what we call as astronomical equipment that are self-made, or if somebody has bought something new. So we'll try and have those kind of get-togethers. And we will try and encourage observatories in remote areas where there are dark skies and good locations. And in doing so, we will knock at the doors of public and private sector rich people who can sort of sponsor us. And we will try and organize and put some legal facet to all our activities, so that we can get registered, and then we can accept funds, and we can show some kind of a transparency as far as our funds are concerned. On the international level, we will try and connect with different organizations. We did a very good job in 2008 when it was the International Year of Astronomy, which was announced by the International Astronomical Union under the umbrella of United Nations. And if today is a landmark event and a watershed event, which I foresee is going to change astronomy from what it was to what it will be, 2008 International Astronomical Union, Astronomical Year of Astronomy, was also one such year when we actually changed a lot as far as astronomy is concerned. So we will connect with international organizations. And right here at the outset, I would like to announce from the University of Utrecht in Holland, there is a group of students and one of their professors who are wanting to come to Pakistan. And I have proposed that you should come to Lahore. And they are going to do a workshop on AstroLab. It's a win-win situation. It's a win-win situation. We would like to learn from them, and they want to visit. They desperately want to come and see the place where Ziauddin Muhammad and his colleagues and his family used to make brass astrolabes. And I would urge you to sort of go on the website and look for these astrolabes that were made by Ziauddin Muhammad. They are explicitly made. And as I said in my introduction, go back to that time, go back to the astronomy of that day, and then look at what he used to design, what he used to make, and just glance into that time, how they were used, what was their utility, and how they were the instruments of the cutting edge of astronomy of that time. So with this, I would like to thank the people of LAMS, if there is anybody over here, and for
for sort of arranging all this. And in the end, as I said in the beginning, it's a big day. And for this big day, I would like to celebrate it with a punch on into the air, because it's a big day. खालिद प्रवर साहब हमारे एस्ट्रोनॉमिकल लीग ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन, सो ज़ाहिर है हम इनकी तरफ देखते हैं और हमें इंस्पायर करते हैं. शुरू में जो आपने वीडियो देखी, मैं दो एक बात उसके मतलब करना चाह रहा था. लाहौर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ने वो खुद बनाई और वो एक इंट्रोडक्शन था थोड़ा सा एस्ट्रोनॉमी के हवाले से. एक और चीज़ मुझे कहनी चाहिए थी, वो मैं अब कह देता हूँ. मेरा नाम उमैर आसिम है, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं. और मैं लाहौर में रहता हूँ. अच्छा, सो लाहौर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के जी मैं प्रेसिडेंट हूँ. और जब जिस वक्त इन्होंने बात की कि एलॉप की हमारी पहला कॉन्सेप्ट बन रहा था, सो उस वक्त हम ये सोच रहे थे कि ये एलॉप के तहत हम सोसाइटीज़ को इकट्ठा करेंगे और एक एक ड्रीमी डे होगा कि पाकिस्तान की एस्ट्रोनॉमर्स की कम्युनिटी एक जगह बैठी होगी और वो आज का दिन है. सो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कराची का, कराची से लोग आए हैं और जाहिर है ट्रैवलिंग उनको करना है, करना पड़ी. इस्लामाबाद से लोग आए हैं और सिटी से भी लोग आना चाह रहे थे. लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता जाऊँ, ये जितना भी एमेचर सोसाइटीज़ का कॉन्सेप्ट है, ये सारा वॉलेंटियर वर्क है, कोई पेड जॉब्स नहीं है. तो स्टूडेंट्स हैं, बिजनेसमैन हैं, और उन्होंने अपने एमेचर जो उनका है फॉर द लव ऑफ एस्ट्रोनॉमी, वो ये काम कर रहे होते हैं. तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि दूसरे सिटीज़ में जाएँ. जो अभी मुझे बहुत सारे लोगों ने ये बताया कि इन इन वजूहात की बिना पर वो निकल नहीं सके, जबकि उनको यहाँ होना था. हमारी रजिस्ट्रेशन ऑलमोस्ट 200 की थी. सो वो इस तरह के मामले हो जाते हैं. ऑब्वियसली जब आप एक फैशन के लिए सिर्फ एक इस तरह की कॉन्फ्रेंस अरेंज करें, ये भी मैं आपके सामने रखूँगा कि अभी एस्ट्रोनॉमी का एक इंट्रोडक्शन आप एक जनरल ओवरव्यू पता चल जाए. और लाहौर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं रोशान बुखारी, वो आपके सामने एक एस्ट्रोनॉमी का इंट्रोडक्शन रखेंगे और वो आप देखिएगा, वो आपको उससे नहायत महसूस होगा. रोशान कुछ हो प्रोजेक्टर चलाओ, प्रोजेक्टर जी. सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम रोशान बुखारी है और मैं लाहौर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ. मेरा आज का टॉपिक जो है वो, उसका टाइटल मैंने चूज़ किया द लोर ऑफ एस्ट्रोनॉमी. एस्ट्रोनॉमी की कशिश या एस्ट्रोनॉमी की ऐसी बात जो हमें फ्रॉम द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन, अगर मैं कहूँ तो शायद गलत नहीं है, कि वो हमें अपनी तरफ खींचती ला रही है. तो ऐसी क्या बातें हैं और ऐसी कौन सी बातें हैं एस्ट्रोनॉमी की जो उसको वर्दी बनाती हैं इतना जद्दोजहद करने के, जिस तरह भी हमारे जो चेयरमैन साहब ने बताया कि एमेचर जो हैं वो खुद वॉलंटियर करते हैं, आते हैं और उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं. तो आइए एक थोड़ा सा देखते हैं कि हमारा इंसानों का कायनात के साथ क्या ताल्लुक रहा है, क्या रिलेशन रहा है ना. ये शायद पूरी प्रेजेंटेशन की सबसे बोरिंग तरीन स्लाइड है. व्हाट इज एस्ट्रोनॉमी, एक डेफिनेशन, फॉर्मल डेफिनेशन जो दी जाती है वो है द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, स्पेस एंड द फिजिकल यूनिवर्स. इसमें जो कीवर्ड है वो है द ब्रांच ऑफ साइंस.
मसला ये है कि मैं जब भी किसी के पास जाता हूँ कि एस्ट्रोनॉमी की बात करने, तो वो कहते हैं अच्छा ये सितारों का हाल आप बता देते हैं। तो मसला ये है कि दिस इज अ साइंस, इट्स नॉट सूडो साइंस, देयर आई से। तो फॉर्मली एकेडमिकली द ब्रांचेस ऑफ साइंस आर ऑल, द ब्रांचेस ऑफ एस्ट्रोनॉमी आर ऑल ओवर द प्लेस। ये सब एंड मोर एस्ट्रोनॉमी की ब्रांचेस हैं, उसकी फर्दर स्पेशलाइजेशन हैं, लेकिन मैं इनके बारे में बात नहीं करूंगा, बिकॉज हु वॉन्ट्स टू टॉक अबाउट प्लाज्मा कमिंग आउट फ्रॉम वट एवर, आई डोंट नो। तो बट somebody said who wants to, लेकिन I'm afraid it's a bad day for you। Direct या indirect commercial benefits, इसके बारे में astronomers बात करना चाहते हैं कि यार astronomy से industry को फायदा होता है, हमारी everyday life में कोई उसकी contribution है, और वो भी बेशुमार हैं, और इनके बारे में मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मैं जो बात करूँगा वो इन सब से, मुझे लगता है कि इन सबसे ज़्यादा interesting है, इन सबसे ज्यादा रिलेटेबल है। एस्ट्रोनॉमी हैज बीन एन इनहेरेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन सिविलाइजेशन शुरू से। हाउ? देखिए, मेरा सबसे पसंदीदा पार्ट एस्ट्रोनॉमी का ये है, सॉल्ट। दैट्स राइट। नाउ व्हाट द हेल एम आई सेइंग? अगर आप रात को अपनी छत पर या टेरेस पर बाहर जाएं, आसमान क्लियर है, नमक का एक दाना, ग्रेन ऑफ सॉल्ट, जस्ट होल्ड इट एट योर आर्म्स लेंथ अगेंस्ट द नाइट स्काई, कितना एरिया कवर करेगा नाइट स्काई का अ स्मॉल ग्रेन ऑफ सॉल्ट? बहुत छोटा, राइट? ओके, सो माय फेवरेट थिंग अबाउट एस्ट्रोनॉमी इज दिस, कि आसमान में एक ऐसा हिस्सा जिसमें हमें इतने सितारे नहीं नजर आए, तो एस्ट्रोनॉमर्स ने चाहा कि वहां देखते हैं वहां पर क्या है जहां स्टार्स नहीं है। इट टर्न्ड आउट कि ऐसा एरिया इन द स्काई जिधर स्टार्स नहीं है, गिवन दैट यू हैव टेकन अ लॉन्गर अलोंग एक्सपोजर, दिस इज व्हाट यू सी। एवरी डॉट इन दिस इमेज इज अ होल गैलेक्सी, not only a star, a city of billions of stars, every dot. And how much area is this covering in the sky? One grain of salt. You know, so I think this is, ye mera favorite part hai astronomy. You see, this is our night sky. Unfortunately, Lahore ka aisa night sky nahi hai. लेकिन अगर इफ यू हैपन टू गो टू योर विलेज, अगर आपका है या किसी रूरल साइड या नॉर्दर्न साइड में अगर आप गए जहां पे लाइट पोल्यूशन नहीं है, तो यू माइट हैव सीन समथिंग लाइक दिस, अ लॉट ऑफ स्टार्स, लेकिन इन द मिडल, एंड आई प्लेड अगेन, इन द मिडल देयर इज दिस बैंड ऑफ लाइट, डू यू नो व्हाट दिस इज? इट्स द मिल्की वे गैलेक्सी, इट्स आवर गैलेक्सी, it's the city in which our sun lives in. So it appears edge on because hum uske andar reh rahe hain, it appears like a band. So this is our night sky. Humne hamesha se night sky ko samajhne ki koshish ki hai insanon ne. So humne raat ke waqt stars ke andar patterns dekhe purane waqt ke logon ne, aur usme unko kabhi koi bhalu nazar aa jata, and they called it the Big Bear. Ursa Major is the more technical term. इसको उर्दू में दुबे अकबर भी कहते हैं। और मुझे ये मेरे गांव की ट्रिप से पता लगा कि these four stars in the middle, they are called चारपाई, because you know चारपाई की चार टांग। And these are called constellations. So the first thing that humans did was decorate the night sky with constellations. Similarly, उर्दू में लिखे जाने वाला क्वेश्चन मार्क, यानी इंग्लिश वाले से उल्टा, आसमान में एक ऐसी अरेंजमेंट ऑफ स्टार्स, इन टर्म्स ऑफ कि एंशिएंट पीपल हैव एसोसिएटेड दैट अरेंजमेंट ऑफ स्टार्स विद द कॉन्स्टेलेशन लियो, द लायन,
और ये काफी आसानी से नजर आती है। तो बात ये है कि हमारी सबसे पहली एसोसिएशन विद द नाइट स्काई वॉज आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैटर्न्स इन द नाइट स्काई कॉन्स्टेलेशंस, एंड उसके बाद हमने आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स हमने टेक्नोलॉजी को एडवांस किया, अपनी सोच को वसी किया, क्यूरियोसिटी को चांस दिया, और हमने ऐसी चीजें ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जिनसे हम अब उन पैटर्न्स को सिर्फ पैटर्न्स के तौर पर ट्रीट नहीं करते, हम उनको एक्चुअली स्टडी करते हैं व्हाट आर दे और वो असल में क्या है। आई मीन ऑब्वियसली आसमान में एक शेर नहीं है, एक बड़ा सा भालू नहीं है, देयर समथिंग एल्स, समथिंग देयर इज मोर इंटरेस्टिंग। सो ये एक कोशिश है, ये तस्वीर एक कोशिश है फ्रॉम अ गुड जेंटलमैन नेम्ड एनैक्सिमेंडर, 6th century BC। He tried to explain कि ये आसमान, ये जो नाइट स्काई है, ये सितारे, ये सूरज चांद, ये क्या है। तो उसका एक ब्रिलियंट आइडिया ये था कि ब्लैक रिंग्स हैं, ब्लैक स्फीयर्स हैं जिसके अंदर होल्स हुए हैं, सुराख हुए हैं, और उन होल्स में से हेवन की लाइट आती है और वो लाइट सितारों की रोशनी, द बिगर द होल द ब्राइटर द लाइट, तो चांद जो है वो ज्यादा ब्राइट है, सूरज उससे भी ज्यादा ब्राइट है। तो दिस इज एन अटेम्प्ट। Fast forward 400 years, 2nd century BC, we have Ptolemy, the most widely accepted model of solar system and the universe of its time. Earth center mein thi, pichle wale mein, ab thoda sa off center, because they couldn't explain the motion of planets in the night sky otherwise. Aap bhi agar kisi, agar aapko pata hai ki planet kaun sa hai, and you should track it for maybe a week or 2 weeks, a month, 2 months, you will see कि वो straight move नहीं करता, पहले सीधा जाता है, makes a loop और फिर दोबारा सीधा जाता है। Now that confused the ancient people, तो उनको इस तरह के अजीबोगरीब से models बनाने पड़े जिसका जिक्र हमारे चेयरमैन साहब ने किया शुरू में, epicycles का। These little circles are called epicycles। तो कोशिश, देखिए कोशिश मुसलसल चल रही है समझने की कि ये कैसे हो रहा है सब कुछ। Now we know, and I hope everybody agrees, okay, it's the heliocentric model. It's not the geocentric model. So, Suraj beech mein hai, aur uske girde sare sayare ghoom rahe hain. And when you combine the vastness of the universe with our unexplained eagerness to explore, you end up with something magnificent. You end up with imagination going berserk. You end up with technology taking leaps and bounds into the future, ahead of its time. ये Stonehenge है। और इसी तरह मेरा इत्तेफाक हुआ पिछले महीने मोहनजोदाड़ो जाने का, और वहाँ के गाइड से मैंने पूछा, क्योंकि that was I think 5,000 years आज से 5,000 साल पुरानी तहजीब है, तो मैंने उसे, मैंने गाइड से पूछा कि क्या यहाँ पे कोई ऑब्जर्वेटरी थी, and I was totally not expecting the answer that he gave me. He said yes. Ke purane log, they not only enjoyed the night sky, they needed the night sky. Why? Agriculture, weather patterns, chidiyon ka ya game ka unki migration, it was a part of their everyday survival routine. So humne jab explore kiya, technology ko istemal kiya, to humne duniya ke sath two dimensional relation se nikal ke ek three dimensional relationship bana li. This is the famous earth rise picture taken from the Apollo 8 mission, which was to circle around the moon in the late 1960s. Now, after this picture was taken, the EPA, Environmental Protection Agency, the catalytic converter invented, and Doctors Without Borders, that was made.
Why? Because previously, all the people in the school, in the college, in the universities knew just one map, and that map had some ugly lines on it, some boundaries on it, some colors on it. But after this, everybody realized that the earth really doesn't have those lines on it. There are no borders. So somebody said, and wisely so, they said that on our journey to explore the moon, we discovered earth. And I think that's right. ये एक वीडियो है टू पुट अस ऑल इन प्लेस इन चेक. जमीन जिसको एक दफा कायनात का सेंटर मरकज समझा गया, ये है वो कायनात का सेंटर. एंड वी जस्ट कंपेयरिंग इट विद व्हाट वी केम टू नो अबाउट आवर ओन बैकयार्ड, अबाउट आवर ओन सोलर सिस्टम, हमारे साथी प्लैनेट, हमारे हमसाए प्लैनेट. और आप देख सकते हैं कि अब यहां पर जमीन तो कहीं नजर नहीं आ रही, लेकिन जो सबसे बड़ा प्लेनेट है उसके सामने हमारा अपना स्टार. यू कैन सी हाउ बिग द सन इज, हाउ स्मॉल द बिगेस्ट प्लेनेट इज. सो दिस इज टू पुट अस ऑल इनटू अ पर्सपेक्टिव. नाउ कार्ल सेगन, अ वेरी फेमस एस्ट्रोनॉमर, वंस सेड, somewhere something incredible is waiting to be known. Okay, so what we did, hum zameen ke disturbful atmosphere ki routine se bahar nikalna chahte the. Starlight bahut zyada kharab hoti hai jab earth ke atmosphere se cross karti hai. So we sent observatories, our eyes into orbit of the earth, outside of our atmosphere, to get a better view of the universe, to get better data. And we saw ke a puri different dimension hai in the night sky that is now open to us. We see these colorful gas clouds called nebulae, and they are responsible for star formation. And these stars, when they die, they release this gas back to space, and new stars are formed out of that gas. And that's a cycle of nature that continues. Our sun is a part of that cycle. We also understood through astronomy that light can be used as a language, ek zuban ke taur par. If I change the light, if I change the wavelength, I can understand something new. I can see something new. So this is an object, and please fill me in on this. What object, what animal does this resemble? A horse. And astronomy, my friends, is a very simple business. If it resembles a horse's head, it's the horse head nebula. If there are spots on the sun, they are? Okay. So astronomy is a simple business. So we saw this same object in a different light, and ye dekhiye kaisa nazara changed. You see more stars, you see more detail, you see different features. So we understood ke lakhon saalon se jis roshni ko hum apni aankhon se dekh rahe hain, that's not the only story there is. Ye usi soch ki extrapolation hai. If we can see deep sky objects in different light, we can see our own sun in different light. Aur aap dekh sakte hain ye is animation mein every single piece of the pie is a different wavelength. It shows you different features of the sun. We would have been dumb stupid about the impact of solar flares on earth if it was not for discovery of these separate wavelengths and the instruments that can see them. Dumbfounded. We wouldn't know. Our satellites would have been fried, and we wouldn't know what happened. Now, this is a picture of the sun that I took from Lahore, from a solar scope. Iske upar aapko kya nazar aa raha hai? Sunspots. And if you look at the sunspots, thoda sa zara zyada kareeb se, they are hypnotizing. They are amazing.
boiling surface, black object. If there are some SSC students here, intense magnetic fields tend to deflect plasma. So, वहाँ पे temperature कम है, heat कम है, it appears darker. So, whenever we visit something new, we find surprises. ये exploration का, adventure का basic principle है. If you go somewhere जहाँ पे आप पहले नहीं गए हुए, you will find surprises. So, Mercury, the first planet, boring planet है, कुछ भी नहीं है, it's just like a moon, it's charred, it's grey, there are no colors really, and it's not really that interesting. लेकिन once you go closer, you find it's not really that dull of a place. Beautiful views, जो ज़मीन से नहीं मिल सकते, जो आपको अर्थ के साथ two-dimensional relationship बनाकर नहीं मिल सकते. The most famous और सबसे बदनाम तरीन सियारा, मरीख, because our press, our news groups sometimes tend to have a little something with this planet. Mars will be as big as the moon. Bachiye, science dono ka inkishaf. I mean, you click the link, it's just nothing. To Mareek par jayein, fantastic views. Ret, aur Ret par aapko do tracks nazar aa rahe hain. And awesome views. Dry planet. ये जुपिटर की तस्वीर है जो कि as you can see here 1895 में ली गई. But once you go there, once again, there are surprises. So you see something like this. It's a whole new world. It's a different place. That's the charm of exploration. That's the charm of astronomy. Now, ये तस्वीर लाहौर से ली गई है और इस तस्वीर के अंदर ये हमारे लॉ एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के प्रेसिडेंट उमर आसिम ने अपनी ऑब्जर्वेटरी से ली. इस तस्वीर के अंदर देयर इज समवेयर इन दिस पिक्चर इज द प्लैनेट प्लूटो. आई वांट यू ऑल टू हेल्प मी गाइड दिस लेजर टुवर्ड्स वेयर यू थिंक प्लूटो इज. जी लेफ्ट ये यस एवरीबॉडी रीड्स यस एक्सीलेंट दैट्स द रॉन्ग आंसर. ये है प्लूटो. इतना छोटा, इतना दूर. Like once you go there, it's a different place. And there are surprises. It has an atmosphere. Aur iska aasman neela hai, just like hamara aasman. So things live just like us. We tend to live. We tend to die. Sitaron ke saath bhi yahi hota hai. Stars die. And they die like this. Here's another example. Now, हमारा सूरज एक टाइम पर पैदा हुआ, अपनी जिंदगी गुजारी और फिर मर जाएगा. अभी लगभग इट्स समवेयर इन द मिडिल एजेस में. लेकिन जब ये बड़ा हो जाएगा, रेड जायंट हो जाएगा, तो तब शायद लंग्स से जब सूरज निकलेगा फ्रॉम द होराइजन, तो शायद वो मंजर ऐसा हो और तब सूरज इतना बड़ा हो जाएगा, इतना गर्म हो जाएगा, ऑल द ओशंस विल बी इवेपोरेटेड, ऑल द सीज विल बी गॉन, और इट इज वेरी लाइकली कि द सन विल बिकम सो लार्ज कि इट माइट इंगल्फ अर्थ. सो द सेम प्लैनेट ऑन व्हिच सम लाइफ फॉर्म बिगन टू क्वेश्चन कि ये सूरज क्या है, गेट्स अ टेस्ट ऑफ सूरज. बट देयर इज अ ब्राइट साइड टू दिस. Bright side, आप में से कोई भी जिंदा नहीं होगा, तो ये खुशखबरी. एंड दिस विल बी द साइट इफ यू वर एन एलियन बहुत दूर और आप देख रहे हैं सूरज की डेथ को, दिस इज व्हाट इट माइट लुक लाइक. और बिलियंस एंड मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज विच कंटेन बिलियंस ऑफ स्टार्स विच यू नो माइट हैव ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ प्लैनेट्स, वो सब कायनात के अंदर मौजूद है. लेकिन उनमें से एक ऐसा है जिससे हम सबसे ज्यादा जानते हैं, वो ये. व्हाट इज दिस? दिस इज अर्थ फ्रॉम 6 billion किलोमीटर्स. एंड दिस इमेज हैज बीन कॉल्ड द पेल ब्लू डॉट. एंड द फेमस एस्ट्रोनॉमर कार्ल सेगन कैप्शन दिस एज द ओनली होम वी हैव एवर नोन. सो एस्ट्रोनॉमी इज नॉट ओनली जस्ट टेकिंग योर टेलीस्कोप एंड गोइंग आउटसाइड एंड सीइंग सम प्लैनेट्स फॉर योर प्लेजर. इट्स नॉट रियली दैट.
It's not confined to that. It's more than that. It has a philosophical aspect to it as well, rather humanistic aspect as well. A peaceful Paigambi Deta. So, in the words of Carl Sagan, I'll end this presentation. Abhi ke, this picture undermines our responsibility to serve each other better and take care of each other more. That is the essence of astronomy. That is the lure of astronomy. And with that, I say thank you. Just a brief introduction to Lahore Astronomical Society. Pakistan's most active, productive astronomy society. I have shown this because I am a member. This is actually true. It was formed in 1995, and this is a picture of the early days. Agar aapne abhi ek ghanta pehle note kiya ho, to ye jo is shirt mein sahab hain, this is Khalid Malwa sahab, who gave the opening speech. So don't be surprised. That's not nice. And इस पिक्चर के अंदर दो ऐसे और लोग हैं जिनका जिक्र मैं यहाँ करना चाहता हूँ. At the very right side ये नवीद साहब हैं, and in the middle यहाँ ये ब्राउन की बात नहीं इसमें, इनका नाम इरशाद है. अब इरशाद साहब के बारे में एक बड़ी अच्छी बात ये है कि ये शुरू के सोसाइटी के मेंबर थे. He was the only person in Pakistan who made the largest reflector, जो reflector telescope होता है उसके पीछे एक mirror होता है. So he made the largest mirror 14 inches का खुद से. He couldn't use it, I think. He did. Okay, so kudos to Prashad sahab. So ये एक picture है शुरू के दिनों की, और ये एक brochure है, एक flyer है back then last का Lahore Astronomical Society का. और ये इस तरह का पहले होता था, लेकिन अब आई एम वेरी प्राउड टू प्रेजेंट टू यू आवर लेटेस्ट ब्रोशर. इट्स ऑल न्यू, इट्स शाइनी, और इट्स फुल ऑफ स्टफ. इट्स अ लिटिल होमाज टू आवर टीम एंड हाउ मच दे हैव बीन वर्किंग विद द पीपल फॉर द पीपल. वी डू दिस इन कोलैबोरेशन विद the Zeds Astronomical Observatory. It's a privately owned observatory by our president, Umair Asim. Or this is the only observatory in Pakistan that has research-grade equipment. So not only you can see pretty pictures out of it, you can actually do some scientific stuff from it. Is observatory ki data 100 plus international research papers mein use ho chuki hai. And that's the only... thank you. That's the only setup in Pakistan to do so. किस तरह का काम हो रहा है? Photometry. This is basically light को quantify करना, कितनी light आ रही है. और ये एक special slide है, because photometry and spectroscopy, Lahore Astronomical Society और Lahore और Pakistan से पहली दफा मैंने नहीं की, हमारी female members ने किया. And I would like you to all please give a round of applause to me. They are the first female in Pakistan to do so. So, ye bhi ek, I think it's a statement
to our pledge of taking astronomy to everyone. So ye hamari markazi team hai. This is the team which makes everything happen. Hamare president hai, Maroof sahab aaj yahan par aaye hain. ये अब पाकिस्तान में नहीं है और आमना सलीम हमारी इवेंट मैनेजर हैं. यू माइट हैव सीन हर. ये काफ़ी बिजी थी और आज के इवेंट में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आमना का है और ये भी कोई साहब हैं. तो हमने 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 अपने एजेंडे के साथ सोचा कि हम क्या कर सकते हैं जिससे हमारे एजेंडे के साथ इंसाफ हो. हमारा एजेंडा सिंपल है. We want to bring astronomy to everybody. हम connect करना चाहते हैं लोगों को astronomy के साथ. So ज़्यादातर लोग पाकिस्तान में उर्दू समझते हैं. ज़्यादातर लोग पाकिस्तान में अंग्रेज़ी नहीं समझते. तो we decided to go for an Urdu, all Urdu video podcast that would feature Umair Asim from Pakistan and a professional astronomer from America who is a Pakistani, Dr. Salman Hamid. And they would talk over on some astronomy news, जो latest है. और ये सब हमारी कायनात के नाम से हमारी कायनात.com पे मौजूद हैं. इसके 13 episodes और इस पे भी बेहतरीन feedback बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित, हर जगह से इस पे feedback आया है. People have enjoyed this and people have screened this in their schools. So we are very proud of this. इसके अलावा हम रेगुलर आउटरीच सेशंस करवाते रहते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में और पब्लिक प्लेसेस में. ये उसकी कुछ तस्वीरें हैं और वी डू दिस ऑफ कोर्स फ्रॉम आवर ओन पॉकेट्स. वी डोंट वी आर नॉट स्पॉन्सर्ड एंड इट्स जस्ट अनदर स्टेटमेंट टुवर्ड्स आवर डेडिकेशन. हम चाहते हैं कि एस्ट्रोनॉमी सब तक पहुंचे इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर कोई भी हर्डल है क्या है. वी वांट टू ओवरकम इट. ये भी कुछ पिक्चर्स आप देख सकते हैं. हमने ये इनमें से कुछ पिक्चर्स 2009 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ एस्ट्रोनॉमी के इवेंट के दौरान की हैं. ये कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर हम अभी तक जा चुके हैं और इनमें से बहुत से इदारों में हम एक से ज्यादा दफा भी जा चुके हैं. एंड ऑल दिस वर्क हैज बीन डन ओवर द कोर्स ऑफ द लास्ट 2 years. दो सालों में लाहौर के बहुत सारे डिफरेंट इदारों में लास्ट अपनी टीम को लेकर जाती है. और आज के बाद मैं इस लिस्ट में एक और लोगो ऐड करना चाहता हूं एंड दैट इज लंस. सो ये यहां पर ऐड होएगा बिकॉज वी विल बी हैविंग अ सोलर ऑब्जर्वेशन. सूरज को हम देखेंगे विद अ वेरी स्पेशल टेलीस्कोप आफ्टर अ फ्यू टाइम. अभी कुछ देर बाद हम देखेंगे. तो सूरज को आप जिस तरह देखेंगे वो व्यूज यू हैव नेवर सीन दोस व्यूज बिफोर ट्रस्ट मी. तो वो हम लम्स पे आप तक पहुंचाने में कोशा हैं. ये गुजरा वाला इंस्टीट्यूट ऑफ फ्यूचर टेक्नोलॉजी. नाउ इसका एक्रोनिम मैं आप पे छोड़ता हूं कि क्या बनेगा. तो गिफ्ट यूनिवर्सिटी में हम गिफ्ट लेकर गए एस्ट्रोनॉमी का. और इसी तरह गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, यूईटी टेक्सला. हमारे मेंबर्स के पास 30 से ज्यादा टेलीस्कोप्स हैं ऑफ डिफरेंट डिजाइन एंड डिफरेंट साइजेस. इनमें से सबसे बड़ा उमैर आसिम के पास है. दिस इज अ 14 इंच रिफ्लेक्टर और ये वो दूरबीन है जो आज बाहर सेटअप की जाएगी. हम सोलर ऑब्जर्वेशन में फ्री सोलर ग्लासेस दिया करते हैं सारे ऑडियंस को और ये हमें मिलती हैं अमरीका की एक एनजीओ से जिसका नाम चार्ली बेट्स सोलर एस्ट्रोनॉमी प्रोजेक्ट है, CBSAP जिसको हम कहते हैं शॉर्ट में. तो ये भी उम्मीद है कि आप सबको मिलेंगी और ये आप रखिए, ये फ्री है एंड यू कैन सी द सन फ्रॉम दिस. हमारा एक विजन, हमारा एक मिशन है, स्टेटमेंट है कि किसी भी सोसाइटी को बरकरार रखने के लिए आपको रेगुलरली मिलना चाहिए. अगर आप सिर्फ फेसबुक पे हैं तो वो नहीं चल सकता. आपको फिजिकली लोगों से मुलाकात करनी पड़ती है, मिलना पड़ता है. तो हमारी हर महीने के फर्स्ट फ्राइडे को मंथली मीटिंग होती है और उस मंथली मीटिंग में एस्ट्रोनॉमी के बारे में बातें होती हैं. और रिसेंटली एक ट्रेंड सामने आया है जो कि बहुत पॉजिटिव ट्रेंड है कि जो नए मेंबर्स हैं ऑडियंस के जो शायद पहली दफा आए हैं उन्होंने वॉलंटियर किया कि अगली दफा की प्रेजेंटेशन हम देंगे. बिकॉज वी कीप इट वेरी इनफॉर्मल, बहुत कैजुअल होता है, सब लोग खुल के बात करते हैं और सीखते हैं.
अच्छा ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये मंथली मीटिंग का नंबर है इन 2014 और ये मेरी पहली मीटिंग थी विद लाहौर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी एंड इन जस्ट अ पीरियड ऑफ 2 years ये ऑडियंस का नंबर यहां पर देखिए और फिर ऑडियंस का नंबर यहां पर देखिए। सो इट कीप्स ऑन ग्रोइंग और हमारे लिए एक थोड़ा सा इशू भी हो रहा है कि हमारे पास सब जगह भी कम होती है तो उसके लिए हमें अरेंजमेंट्स करनी पड़ती है। एनीवे स्पेशल गेस्ट कौन बुलाते हैं, डॉक्टर सलमान अमीन जिनका तारुफ मैंने आपसे पहले करवाया हमारी का नाम पॉडकास्ट वाली स्लाइड में, ये भी जब आते हैं पाकिस्तान तो हम इनको बुला लेते हैं और कोई ना कोई उस टाइम जो प्रेसिंग इशू होता है एस्ट्रोनॉमी का उस पर वो लेक्चर देते हैं। एंड नामवर फिजिसिस्ट डॉक्टर परवेज हुद भाई दो दफा आ चुके हैं और ब्लैक होल्स और ग्रेविटेशनल वेव्स जैसे टॉपिक पर बात कर चुके हैं। इसी तरह नासा में एक रिसर्च एफिलिएट हैं डॉक्टर आकिब मोइन, वो भी लाहौर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी में लेक्चर दे चुके हैं। हम एस्ट्रोनॉमी के अलावा भी गुफ्तगू किया करते हैं ऑब्जर्वेटरी में, जो डिफरेंट कोई मजेदार अगर कोई बात है, कोई एडवेंचर की बात है या ओवरऑल एक जनरल इंफॉर्मेशन बढ़ाने के लिए है उसके बारे में बातें होती हैं। और हम तो ये भी एक बात किया करते हैं कि सीपीआर की ट्रेनिंग सब लाहौर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के मेंबर्स को हो चुकी है तो हम कम अज कम किसी खतरे में अगर हुए तो हम अपना इलाज कर सकते हैं। इसी तरह प्लूटो पार्टी, प्लूटो की तरफ पहली दफा एक स्पेसक्राफ्ट पहुंची थी 2015 में, सो वी हैड अ लिटिल प्लूटो पार्टी और सब प्लूटो हेड्स बन गए थे तब। एंड इसी तरह जब भी कोई सेलेस्टियल इवेंट होता है मार्स अगर बहुत करीब है जमीन के तो वी ऑल गैदर इन द ऑब्जर्वेटरी और वी हैव अ लुक एट मार्स थ्रू डिफरेंट टेलीस्कोप्स। सूरज के आगे से अगर कोई प्लैनेट गुजरे उसको ट्रांजिट कहते हैं, तो ट्रांजिट ऑफ मर्करी ये भी हमने करवाई जेड्स एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी में भी और एफसी कॉलेज में साइमल्टेनियसली। एंड वी रिसीव ट्रिमेंडस इमेजेस फ्रॉम ऑल आवर मेंबर्स ना सिर्फ पाकिस्तान में पाकिस्तान से बाहर भी और ऑल दीज पिक्चर्स हैव बीन टेकन ये इंटरनेट से नहीं ली हुई, ये किसी ने अपने टेलीस्कोप से एमेचर सेटअप से ली हुई है और वो हमारे ग्रुप पे पोस्ट करते हैं एंड एवरी वीक वी सेलेक्ट द बेस्ट इमेज एंड इट कीप्स द एनवायरनमेंट वेरी फ्रेश, पॉजिटिव कंपटीशन होता है एंड इट्स रियली फन। सो वर्ल्ड स्पेस वीक होता है हर साल अक्टूबर में, इस साल भी होएगा आई थिंक इट स्टार्ट्स फ्रॉम 4th अक्टूबर। तो वर्ल्ड स्पेस वीक 2015 वी रीच आउट टू ओवर 2000 पीपल डिफरेंट इदारों में एंड क्यूमुलेटिव 12+ hours ऑफ सोलर आउटरीच। धूप में खड़े होके जब आप सोलर आउटरीच करते हैं तो मजा बहुत आता है एंड दिस इज अ लिटिल कोलाज ऑफ ऑल द पिक्चर्स ऑफ द वर्ल्ड स्पेस वीक जिसमें हम इन्वॉल्व थे। और आई थिंक इसी के साथ एक ये बस इंट्रोडक्शन था लाहौर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी का। इफ यू वांट टू जॉइन द सोसाइटी देयर इज नो फॉर्मल प्रोसेस, यू जस्ट जॉइन आवर ग्रुप ऑन फेसबुक और वहाँ पे सारी नोटिफिकेशन आती हैं एंड आई एनकरेज एवरीबडी हियर टू बिकम अ पार्ट ऑफ द ऑफ पाकिस्तान्स लार्जेस्ट एस्ट्रोनॉमी सोसाइटी। सो थैंक यू। बहुत शुक्रिया रोशान बुखारी, मैं ये चाहूँगा कि कुछ सवाल करना चाह रहे थे लोग तो वो अभी सवाल कर लें उसके बाद रोशान जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं। ये चाह रहा था कि सूरज है जो सबके सब गेंद की तरह देखते हैं तो ये इसकी वजह ये है के खला में बल्लेबाजों की कमी है, गलबन यही वजह हो सकती है। ठीक है, जो है वो इलेक्ट्रिकल पॉइंट पे कुछ लगते हैं लेकिन सारे स्पेलिंग मोस्ट राइट। सो दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन बिकॉज़ ये बड़ा बुनियादी सवाल है। इसका जवाब ये है कि ग्रेविटी टेंड्स टू अट्रैक्ट हर चीज सेंटर की तरफ। तो इफ यू गिव एक ऑब्जेक्ट टू थिंग्स, एक है ग्रेविटी और दूसरा है इनफ टाइम, इट विल एंड अप बीइंग राउंड। नाउ द कंडीशन इज कि इट शुड बी मैसिव इनफ। ग्रेविटी तो एस्टेरॉइड्स की भी होती है लेकिन दे आर इररेगुलर, पोटैटो शेप अजीब से। सो
सो आपके पास मास ज्यादा होना चाहिए एंड इफ देयर इज इनफ ग्रेविटी, ग्रेविटी सब जगह पे यूनिफॉर्मली एक्ट करेगी और उसका रिजल्ट होगा कि ऑब्जेक्ट राउंड हो जाएगा। जी सर, आपने बताया कि प्लूटो का एटमॉस्फेयर है, लेकिन जो मैंने पढ़ा था उसमें यह था कि जब प्लूटो सन के पास आता तब उसकी जो कैपिटल निकल के इतना बड़ा होता है, ये ओवरऑल पूरे ऑर्बिट में होता है जब सन के पास आता तभी एटमॉस्फेयर। दैट इज एक्चुअली ट्रू, बिल्कुल ठीक है कि जब वो सूरज के करीब आता है तब वो उसका एटमोसफेयर दोबारा हीटअप जितना भी थोड़ी सी वहाँ पे हीट पहुँचती है उससे दोबारा वो गैसियस फॉर्म में चला जाता है एंड इट्स अ ट्रांसिएंट एटमोसफेयर, यानी अगर प्लूटो दूर है सूरज से तो द होल एटमोसफेयर कोलैप्सेस टू द सर्फेस, फ्रीजेस ओवर। तो यस, वो तब स्पेस क्राफ्ट भेजी थी इसी वजह से जब प्लूटो करीब करीब था सूरज का। जी okay, so the earth is vaguely speaking it is round, lekin technically it's an oblate spheroid. Now what does that mean? Ke it's wider below the equator than it is above the equator. To thodi si equator se bulged out hai because it spins, ghum rahi hai. So just like agar aap aate ka peda bas gol karke apni taraf se pura gol kar le aur usko ghuma ke hawa mein fenke aur catch kare, वो गोल नहीं होगा, थोड़ा सा ऑब्लेट हो जाएगा। सिमिलरली अर्थ क्योंकि घूम रही है तो इक्वेटर पे बाहर की तरफ जाने वाली फोर्सेस ज्यादा हैं, तो बल्ज आउट हो जाता है और इक्वेटर से नीचे बल्ज ज्यादा है बिकॉज वहां पर लैंड मैस कम है, इक्वेटर के ऊपर लैंड मैस ज्यादा है। टिल्ट हैज नथिंग टू डू विद द इक्वेटर। जिसकी वजह से इक्वेटर में से उसका रेडियस बढ़ जाता है और दूसरी बात अर्थ की डेंसिटी भी यूनिफॉर्म नहीं है, तो इस सारी कुछ बात का फिर आपको एलिप्सॉइड नजर आता है। सर ये डॉक्टर सभी अंदर है पाकिस्तान के बायोनॉर्स फिजिसिस्ट और बाय द वे ये इनकी वजह से एस्ट्रोनॉमिकल लीग जो है यहाँ अपना ये इवेंट होस्ट कर पाई है, सर उनके बहुत शुक्रगुजार। दो टॉक्स आएंगे अभी आप देखेंगे कि आप उसे बहुत बड़ी इवेंट होंगे। अच्छा मैं ये चाह रहा था थोड़ी सी चीज़ आपके सामने रख दूँ, आपने प्रोग्राम देख लिया अभी दूसरी सोसाइटीज़ जो हैं दूसरे सिटीज़ की जो सोसाइटीज़ हैं उन्होंने अपने इंट्रोडक्शन देने हैं, उन्होंने काम करने हैं और बल्कि मुझे कराची एस्ट्रोनॉमर सोसाइटी ने ये भी कहा है कि वो कुछ गिफ्ट्स लेकर आए हैं, सो वो मैं उनके गिफ्ट्स देखने की बड़ा बेचैन है। अच्छा मुझे मिलेगा ये। अच्छा सो एक और चीज़ ये है कि हमने लंच ब्रेक को कंबाइन किया है सोलर ऑब्जर्वेशन के साथ, वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, घंटे से ज़्यादा है। सो जो जिस टेलीस्कोप का इसमें विशाल ने जिक्र किया था वो टेलीस्कोप हम बाहर नस्ट कर देंगे यहीं कोर्टयार्ड में, वो मैं आपको अनाउंस भी कर दूँगा, बस आपको पता भी लग जाएगा। वो पाकिस्तान की लार्जेस्ट हाइड्रोजन अल्फा टेलीस्कोप है, स्काई भी आज क्लियर है और इन शाह सूरज की एक तरह से सरफेस देखेंगे और कोटेड निकलने वाली आग देखेंगे उसके अंदर से क्या सीन हो रहा है। अब चूंकि टाइम हो चुका है टी ब्रेक का, सो चाय लगी है तो आप भी चाय लेंगे।